किसानों के बारे में और सरकार का जो दो रवैया था उस पर आपने देखा कि किस तरह से लोग गुस्से में आज पूरे मुंबई में जमा हुए मरीन लाइन पे, यहाँ पे तादाद में लोग आ रहे हैं और अभी भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे और आगे भी कितने हजारों से ज़्यादा तादाद में मौजूद है यहाँ पे। थोड़ी देर में और आगे की खबरें हम दिखाएंगे। ये जो है ना, राजा कभी व्यापारी नहीं होता, लेकिन ये मोदी जी ना राज पे आ गए, राजा तो बन गए लेकिन व्यापार कर रहे हैं। जहाँ देखा जाए तो मुसलमानों के, अरे मुसलमान हो चाहे सिख हो, कभी हिंदू मुसलमान को नाम दिया जाता है, कभी कहते कि पैसा लेकर आए, कभी कहते उनको कुछ फैसिलिटी दी जा रही है बेचारे सिख भाइयों को, तो उस पर भी मीडिया हुआ या कोई भी उसे बदनाम कर रही है बहुत अच्छी तरीके से, एक एजेंडा बनाकर। नहीं नहीं, देखिए इनके पास इतना पैसा हो गया कि ये इस पैसे से सब कुछ कर रहे हैं। एक MLAs को MPs को तोड़ने के लिए मत 30-30, 40-40, 50-50 करोड़ रुपया खर्चा करते हैं, तो इनको बस यही सब चीज़ लगी हुई है। देश की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है, देश कमज़ोर होता जा रहा है, हमारे पड़ोसी मुल्क से हमारे तल्लुकात अच्छे नहीं, किसान आत्महत्याएं कर रहा है, उसके बाद भी ये हठधर्मी इनकी, ये सब जो है ना पब्लिक के अंदर एक गलत फहमी फैलाने के लिए, और कुछ मीडिया के लोग हैं जो उनकी दलाली करते हैं और इन चीज़ों को फैलाते हैं बाहर। TV पे बहस करके ये बताना चाहते हैं कि ये कानून बहुत अच्छा है, ये सब बिकाऊ लोग कुछ हैं जो ऐसा कर रहे हैं, परंतु अगर किसान इतनी बैठा हुआ है तो सरकार, अगर हिंदुस्तान के लोग मोदी सरकार से खुश नहीं, और आज ये बिल है उसके खिलाफ जो आप लोग यहाँ पर आए हैं धरना प्रदर्शन पे, ये कब तक चलेगा? ये उस वक्त तक चलेगा जब तक ये घमंडी अहंकारी सरकार झुक नहीं जाती, उस वक्त तक चलेगा ये। जी शुक्रिया। जैसे कि अभी आपने देखा अबू आसिम साहब से हमने बात की, उन्होंने अपनी बात लोगों के सामने रखी कि जिस तरह से ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा जब तक चलेगा, जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाता।